नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको अपडेट दे दिया था कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड को लेकर और एनपीएस यूपीएस जो नई पेंशन स्कीम लाई गई है उसके विरोध में आज देश भर के सभी जिलों पर एनएमओपीएस और अटेवा के मार्गदर्शन में इनके बैनर तले आज यहाँ पर जो है कर्मचारी अपना आक्रोश मार्च निकालने वाले थे। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आज के आक्रोश मार्च में क्या कुछ यहाँ पर हुआ। जैसे कि हम सबको मालूम है एनएमओपीएस के बैनर तले आज पूरे हिंदुस्तान भर में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एनपीएस एम्प्लॉयज के द्वारा एनपीएस यूपीएस आक्रोश मार्च का एहतमाम किया है। इसी तरह हम भी इस मार्च का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वैसे तो हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 100 किलोमीटर दूर है, तब भी हम अपने वॉकिंग प्लेस पे आज ये मार्च जो है हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमारा मांग है नो एनपीएस हम हमारा हक मानते हम हमारा हक मानते वी वांट जस्टिस। ओपीएस को लेकर देश भर में निकला आक्रोश मार्च। केंद्रीय बलों सहित कर्मचारी शिक्षकों ने भी यहां पर जो है इस आक्रोश मार्च में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर हिस्सा लिया है। इस आक्रोश मार्च में रेलवे, डिफेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी कर्मियों समेत कई विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया। जिला मुख्यालयों पर यहां पर कर्मचारियों की भीड़ जन सैलाब उमड़ते हुए देखने को मिला। कर्मचारी शिक्षकों ने यहां पर एनपीएस यूपीएस के प्रति गुस्सा जाहिर किया और जोरदार नारेबाजी की। केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में सुधार कर लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के खिलाफ गुरुवार को देशभर के जिला मुख्यालयों पर आक्रोश मार्च निकाला गया। एनएमओपीएस के बैनर तले निकले गए इस आक्रोश मार्च में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सहित तमाम सरकारी कर्मचारियों ने ओपीएस बहाली की मांग की और एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लाखों सरकारी कर्मचारियों ने मौजूदा पेंशन स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और एनपीएस यूपीएस से सरकारी कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। ये नहीं चाहिए, एनपीएस नहीं चाहिए, लागू करो, ओपीएस लागू करो, नहीं चाहिए, गठन करो, नहीं चाहिए। विजय कुमार बंधु के अनुसार पूरे देश में निकाले गए आक्रोश मार्च में रेलवे, डिफेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी कर्मियों समेत कई विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया था। जिला मुख्यालयों पर उमड़ी कर्मचारियों के जनसैलाब ने बता दिया कि कर्मचारी एनपीएस यूपीएस के प्रति गुस्से में हैं। शिक्षकों कर्मचारियों ने भी पेंशन व्यवस्था को लेकर भारी आक्रोश था और कर्मचारी शिक्षक जो भी यहां पर आंदोलन में शामिल हुए थे, इस आक्रोश मार्च में शामिल हुए थे, उन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए इस बात को सरकार तक पहुंचाया कि वह यूपीएस चाहते हैं न एनपीएस चाहते हैं, वह केवल पुरानी पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं। जय युवा, जय युवा, जय युवा। वहीं पर अन्य कई कर्मचारी नेताओं ने कहा कि यह लड़ाई पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए है। किसान, मजदूर व दुकानदार के बच्चे सरकारी नौकरियों में आते हैं। निम्न और मध्यम वर्ग का सबसे बड़ा सहारा सरकारी नौकरी है, यह सभी सामाजिक सुरक्षा का आधार है। केंद्रीय सरकार पूंजीपतियों के चक्कर में इस वर्ग के साथ अन्याय कर रही है, कर्मचारियों के साथ छल किया जा रहा है। बंधु जी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व असम सहित देश व प्रदेश के कोने कोने में इस आक्रोश मार्च को यहां पर मनाया गया और सरकार तक यह संदेश पहुँचाया गया कि जो नई पेंशन स्कीम यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई है, कर्मचारी शिक्षक उसके विरोध में है और वह केवल पुरानी पेंशन स्कीम चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में अटेवा एनएमओपीएस के बैनर तले सभी जिला मुख्यालयों पर आक्रोश मार्च यहां पर निकाला गया। वहीं पर बड़ी संख्या में शिक्षकों और कर्मचारियों ने तख्तियों में एनएमओपीएस धोखा है तो नो एनएमओपीएस, नो यूपीएस, केवल ओपीएस के नारे भी यहां पर लिखे हुए देखने को मिले। इसके अलावा एनएमओपीएस और अटेवा के अलावा भी और कई ट्रेड यूनियनों का समर्थन भी यहां पर जो है इस आक्रोश मार्च को देखने को मिला। तो इस तरह से एनएमओपीएस अटेवा के आह्वान पर आज ओपीएस पेंशन स्कीम
कुर्सियों में बहाली के लिए यूपीएस और एनपीएस के विरोध में जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर किया गया और सरकार तक यह संदेश पहुँचाने का प्रयास किया गया कि सभी कर्मचारी यहाँ पर एनपीएस और यूपीएस के विरोध में है और कर्मचारी ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही यहाँ पर चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में दी गई ये लेटेस्ट अपडेट ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो जानकारी आपको जो है अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप भी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड करते हैं तो इस वीडियो को अपने सभी ओपीएस पेंशन की डिमांड करने वाले साथियों तक जरूर पहुंचाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।